ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट्स में आपने देख लिया, अब मैं डिटेल वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, और मैं क्लाउड बेस सेलेक्ट सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ। आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो या जो भी आपके ऊपर है। अपने सबसे पहला स्टेप है हमारा सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना। अब इसको हमको क्या करना है, लेयर वाया कॉपी, ओके। सेम अगेन कंट्रोल दबा के फिर से हम लोग सिलेक्शन एक्टिवेट कर लेंगे, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट एंड फिल कर देंगे। डिलीट एंड फिल यहाँ पे कर देंगे, सॉरी उस टाइम ये सिलेक्टेड था, ठीक है। डिलीट एंड फिल कर दिया, ये देखो हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब इसको एक और डुप्लीकेट कर लेते, कंट्रोल प्लस ये दबा देंगे। अब इसको डीसैचुरेट करेंगे, इमेज में आइए एडजस्टमेंट एंड डीसैचुरेट। नाउ फिल्टर अदर पास एंड हाई पास कर दो आप इसको। हाई पास से होगा क्या, हमें केवल टेक्सचर चाहिए, ठीक है, आउटलाइन जिससे हमारा बन सके। चाहो तो लॉन्ग प्रोसेस है कि आप अपने ड्रेस का आउटलाइन बनाओ, तो उतना कौन करने जा रहा है। ये शॉर्टकट है सिंपल सा इसको, ओके डन। अब इसको हम लोग ब्लेंड मोड चेंज कर देंगे स्क्रीन। अब इसको हाइड कर लो आप। अब यहाँ पे इसको मास्क करो, लुक सिंपल। यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको इरेज करना है इस क्लॉथ्स को। तो ये कर सकते हैं हम लोग कि क्विक सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना ये हो सके हमारा क्विक सिलेक्शन से सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ ब्लैक ब्रश सेलेक्ट करेंगे और यहां से पूरा पेंट कर देंगे, ओके। अभी एक ही सुई, ये देखो, ये तो मैं ऐसे ही पेंट कर दूंगा। ओह सॉरी, हैंड पे लग गया। So, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना मुझे, ये जो हमारा लेयर मास्क है इसको अल्ट दबा के कॉपी करके इस पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब सिर्फ इसको इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा जो केवल क्लॉथ्स वाला एरिया वो शो करने लगेगा। यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट क्लॉथ हो गया है। So, अगर इसको और ट्रांसपेरेंट करना तो सिंपल, आपको पता हो ओपेसिटी डाउन कर लो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ अदर इमेज, सेम प्रोसेस, सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। चलो मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, अब थोड़ा मैं फास्ट करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल जे किया मैंने, डुप्लीकेट बन गया। फिर से यहाँ पे किया और इसको लेकर आ गया और यहाँ पे सेलेक्ट डिलीट एंड फिल कर दूंगा, ठीक। और इसके बाद एक बार और डुप्लीकेट, इसको डीसैचुरेट करेंगे, इमेज डीसैचुरेट, अदर हाई पास। देखो यार, हाई पास सारे इमेजेस के लिए अलग अलग होते हैं, आपके उसके ऊपर डिपेंड करता, तो आप अपना देख लेना। ऑलमोस्ट 4 to 5 के बीच में ही होगा, 4 to 5, 6 के बीच में मतलब। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन कर देंगे, सेम मास्क किया, ब्लैक से प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे भी ये भी बन गया। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।